बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने रात को उठकर नमाज पढ़ी और बहुत तवील सजदा किया, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि आपका इंतकाल हो गया है। मैं उठी और आपके पाए अकदस का अंगूठा हिलाया, वो हिला तो फिर मैं लौट आई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने सजदे से सर उठाया और नमाज तमाम की तो फरमाया, ऐ आयशा, ऐ हुमैरा, क्या तुमको ये गुमान हो गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने तुमसे ज़्यादती की है? अर्ज़ किया, नहीं खुदा की कसम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, लेकिन आपके तवील सजदा ने मुझे वफात के खौफ में मुब्तला कर दिया था। फरमाया, क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी रात है? अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है। फरमाया, 15वीं शाबान की रात है, बेशक अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर ज़ुहूर फरमाता है तो तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाता है और रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और कीना परवरों को जैसे वो थे उसी पर रखता है।